साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टाइप के रिमूव डुप्लीकेट्स और वैलिडेशन रूल, बाकी सभी ऑप्शंस के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट पेज लेआउट और फार्मूला टैब की पूरी जानकारी दी, जिससे आपको ये पूरा नॉलेज हो पाया। और आज हम डेटा टैब में इन ऑप्शंस के विषय में कैसे इनका यूज करेंगे, ये डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट का मतलब यह है कि इसमें जो एंट्रीज की गई हैं वो डुप्लीकेट एंट्री को छांटना है। तो हमने क्या किया, यहां से इन एंट्रीज को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। तो जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी, जैसे यहां पे अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहते हैं सिलेक्शन पे, तो रिमूव डुप्लीकेट कर दें, नहीं तो आप कंटिन्यू विद करंट सेक्शन इस पे क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे कौन से पे, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी पे जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज हुई हैं उनको समाप्त कर दो। तो ये देखिए सारी डुप्लीकेट एंट्रीज समाप्त हो चुकी हैं, पूरा का पूरा ये जो हमने कॉपी कर रखा था वो सब हट चुका है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप पूरी ये जो वर्कशीट है जो आपने एंट्रीज कर रखी है, इन सब के डुप्लीकेट एंट्रीज को आप हटाना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, तो रिमूव पे क्लिक करिए। अब कौन कौन सी फील्ड, तो यहाँ पे जिस जिस फील्ड पे टिक होगा वो सभी फील्ड यहाँ पे काउंट हो जाएंगी। तो सारी, अभी हमने क्या किया, सभी फील्ड पे टिक रहने दिया और हम ओके करते हैं। फिर 29 डुप्लीकेट एंट्रीज, ये बता रहा 29 डुप्लीकेट एंट्रीज पाई गई हैं टोटल। एक बार अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो बता देगा कि टोटल एंट्रीज, जैसे हमको सीरियल नंबर में नहीं चाहिए, डेट में चाहिए, बाकी क्वांटिटी में चाहिए और इन सब में चाहिए। तो ये देखें क्या बता रहा है कि 64 डुप्लीकेट एंट्री को इसने समाप्त किया और 9 यूनिक एंट्रीज को छोड़ दिया। 9 ही इसमें सही तरीके से एंट्रीज की एंट्री की गई है, 9 कॉलम। बाकी 9 के 9 बाकी जितने भी रो थे जो डुप्लीकेट एंट्री जिनकी हुई है वो सभी समाप्त हो चुके हैं। इनको आप कंट्रोल जेड करके हम फिर से वापस लाते हैं। यहां से आप डुप्लीकेट एंट्री को समाप्त कर सकते हैं। साथ साथ अब हम बात करेंगे वैलिडेशन रूल पर। तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है वो है डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन क्या है, कैसे यूज किया जाए, इसके विषय में हम एक दूसरी वर्कशीट में चलेंगे। यहाँ पे किसी भी सेल पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे आ जाइए। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू चाहते हैं तो आप ओके कर दें। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू इंटर किए हैं वो यहाँ पे है, तो अब इससे कोई विशेष मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इंटर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये सिंपल सा एनी वैल्यू का है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं होल नंबर, तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, यहाँ पे ये सारी चीजें, लेस देन, ग्रेटर देन, इसमें से आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं इक्वल टू, इक्वल टू मान लीजिए 1000, अब ओके करते हैं। अब यहाँ पे 2000 लिख के इंटर करते हैं तो एंट्री नहीं होगी, इस एंट्री को ये रोक देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री की जा सकती है, वो है 100। मान लीजिए जैसे आप फील्ड बना रहे हैं नेम, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। फील्ड बनाते हैं नेम, एड्रेस, एडमिशन डेट और फी। तो अब हम फी में ऐसा सेट कर देते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना एंट्री हो, हमारी फी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ एक फिक्स है कि कितना, 500 रुपए ही फी ली जाती है। तो 500 एडमिशन फी जो है 500, तो ओके। अब इसमें अगर कोई चाहे कि हम 600 एंटर कर लें तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर वो 500 एंटर करेगा तभी आगे बढ़ेगा। 501 भी कर लेगा तो नहीं होगा, 499 कर लेगा तब भी नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं एनी वैल्यू को। और फिर यहाँ पे अगला, जैसे मान लीजिए इक्वल के बजाय बिटवीन, तो इनके बीच 500 और 1000, अब आप ओके कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं मान लीजिए 700, तो हो गया। लेकिन यहाँ पे 1100 करते हैं तो नहीं होगा, मतलब 500 से अगर 499 करेंगे तब भी नहीं होगा। तो 500 से और कितना, 500 से चाहिए हमको 1000 के अंदर। जैसे अगर आप 800 एंट्री करेंगे तो चलेगा, 999 करेंगे चलेगा, लेकिन 1000 करेंगे
तो भी चलेगा, लेकिन 1001 नहीं चलेगा, 1001 नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहां पे आप वैलिडेशन निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम वैलिडेशन पे अगले ऑप्शन की बात करें तो यहां पे एक एक ऑप्शन है, इनको आप चेक करके देख लीजिएगा। लेस देन आर इक्वल टू, मतलब किसके बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो एक एक को सिलेक्ट कर लें। ये होल नंबर है। डिसिमल नंबर, डिसिमल नंबर में आप क्या चाहते हैं, ठीक ये भी वैसा ही काम करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें भी। आप जब भी एंट्री करेंगे तो ये जो आपने वहां क्राइटेरिया दे रखा है उसी क्राइटेरिया में ही ये फिल करेगा डेटा को, उसके अलावा कोई भी डेटा फिल नहीं करेगा। फिर यहां पे अगर हम बात करें लिस्ट, तो लिस्ट होती क्या है, जैसे हम चाहते ये हैं, पहले तो क्लियर कर दें जितना भी हमने डेटा रखा था। अब जैसे हम चाहते ये हैं कि इस एरिया में हमको जितने भी लिस्ट, जितने भी नाम हैं, उन सभी की लिस्ट आ जाए जो हमने दूसरी फील्ड में ऐड कर रखी है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अब आ गए हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ एनी वैल्यू को हमने लिस्ट कर दिया। अब सोर्स पे आके जिससे आप लिस्ट चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम ये प्रोडक्ट से लिस्ट चाहते हैं, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर मान लीजिए कि आपके 4-6 ही प्रोडक्ट हैं और उन्हीं की लिस्ट को बार बार कॉपी किया गया है, तो आप उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसी को कॉपी कर लीजिए, एक्स्ट्रा मत लीजिए। तो ये हमने ले लिया, अब हम ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बटन आ गई, जब आप इस पर क्लिक करेंगे बटन आ गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे बटन आ गई। तो अब आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है लिस्ट का। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें लिस्ट के अंदर, लिस्ट के बाद डेट, कौन सी डेट, यहाँ पे जैसे इक्वल टू कोई एक डेट टाइप कर दीजिए कि वही डेट होगी, या मान लीजिए कि आप एडमिशन कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं एडमिशन कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एडमिशन 15 तारीख से 20 तारीख के बीच ही होना है, उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम डेट कर लेते हैं बिटवीन, तो यहाँ पे हम जैसे हमने दे दिया 1/5/2024, इंड डेट 30/5/2024। अब हमने ओके कर दिया, इंड डेट 30/5। तो अच्छा, इसका जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट गलत ले रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहले मंथ ले रहा है, फिर डेट ले रहा है, फिर ईयर ले रहा है। तो यहां पे हमें पहले मंथ, डेट और ईयर फिल करना होगा। अब हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहां पे जैसे आप मान लीजिए डेट डालते हैं 1/4/2024, तो ये नहीं लेगा, लेकिन अगर 1/6/2024 डालते हैं, अच्छा वो पहले मंथ 5/6/2024 तो ले लेगा। यहां पे इस तरीके से आप कोई भी डेट फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, टाइम का भी मिल जाएगा, लेंथ का भी मिल जाएगा। कस्टम करके आप दूसरे फार्मूला को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद यहाँ पे आप अलग अलग मैसेज भी इनपुट कर सकते हैं। जैसे बात करें होल नंबर, तो यहाँ पे हमने कर दिया इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर दिया 10, और यहाँ पे क्या मैसेज आए, टाइटल, यहाँ पे हम टाइटल देते हैं एरर, और यहां पर लिख देते हैं ओनली नंबर ऑफ 10। तो अब जैसे ही मान लीजिए कि यहां पे कोई 10 किया तो ले लिया, लेकिन अगर 12 किया तो नहीं लेगा, ऐसे यहां पे शो करता रहे। जैसे उस सेल में आएगा तो बताएगा ओनली नंबर ऑफ 10, यहां पे सिर्फ 10 ही भरा जाए। लेकिन अगर आप यहां पे एरर अलर्ट, क्या एरर चाहते हैं, तो लिख देते हैं स्टॉप, लिख देते हैं इनपुट ओनली 10। तो अब ओके करते हैं। अब जैसे ही यहां पे आप 11 डालते हैं तो ऐसे आ जाएगा इनपुट ओनली 10, तो जो आप मैसेज चाहेंगे वो मैसेज शो करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें लिस्ट के बाद अगर हम बात करें तो ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी का आप यूज करके देख सकते हैं।
तो मैक्सिमम की जानकारी तो हमने आपको ऑलरेडी दे ही रखी है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन वो है सर्कल इनवैलिड डेटा। तो यहाँ पे आप जैसे इस एरिया पे हैं तो यहाँ पे सर्कल इनवैलिड डेटा को अप्लाई कर सकते हैं और अगर कहीं इनवैलिड डेटा होगा तो वो आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अगर कहीं वैलिडेशन रूल लगा हुआ है तो वो सभी हट जाएंगे वैलिडेशन रूल। तो ये तो मान लीजिए हो गया आपका डेटा टाइप का वैलिडेशन रूल और रिमूव डुप्लीकेट एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी देंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलता रहे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।